जय हिंद। डेयर लर्नर्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स न्यू कोर्स एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। तो यहाँ एक जुड़ा करके मोनोमियल्स दी गई है, इनकी प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना। यहाँ दो दो मोनोमियल्स हैं, 4 एक मोनोमियल 7p और एक मोनोमियल है। तो वन नंबर देखिए, 4 प्रोडक्ट मतलब क्या है, बस इंटू करना, मल्टीप्लाई करना। तो 4 × 7p, तो देखिए 4 और 7 ये दोनों तो नंबर्स हैं, तो 4 × 7 = 28 है, इंटू पी 28p। बस 2 नंबर में देखिए, -4 × 7p है, तो इजिकल टू, यहाँ देखिए दोनों में एक नेगेटिव साइन है, ऑड टाइम है, तो दोनों की प्रोडक्ट माइनस होगा। हाँ, अगर ये भी नेगेटिव होता, यानी कि इवन टाइम्स होता, 2 बार 4 बार 6 बार ऐसे ये जोड़ बार नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होता, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव बन जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बार है। अच्छा, दूसरी ऐसे भी सोच सकते हैं, ये पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस, 4 × 7 = 28 × p 28p, ठीक है। 3 नंबर में देखिए, -4p − 4p × 7pq है, तो इजिकल टू, ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो 4 × 7 = 28, ठीक है। अच्छा, p × p देखिए, p × p, ये p और ये p दोनों इंटू हो रहे हैं, तो 2p अगर इंटू की जाए, देखिए एक्चुअली p × p तो फी स्क्वायर है। हाँ, यहाँ इंडेक्स पे लॉ कैसे काम कर रहे हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है। आपको पता है किसी भी दो बेस अगर मल्टीप्लाइड है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बेस सेम है, पी पी है, तो दोनों के पावर्स इस हालत में इंटू हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो 1 + 1 = 2 है। तो वैसे ही p × p² है, ठीक है। तो यहाँ पी स्क्वायर है, लेकिन क्यू अकेला है, सिर्फ एक क्यू है, तो पी स्क्वायर को -28 p² है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, 4pq × -3p, -3p। अच्छा, ये -3p ब्रैकेट में क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ दो साइन एक साथ आ रही है, इंटू और माइनस, तो इसलिए माइनस में ब्रैकेट में रखा। तो 4 × 3 = 12 है। अच्छा, pq × p, तो यहाँ देखिए pq × p, वैसे ही बेस सेम है, दोनों ही पी है, तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 1 = 4 है, मतलब p² = 4 है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ माइनस होगा, ये नेगेटिव है, तो एक ही माइनस है, एक ही नेगेटिव साइन है, तो माइनस है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, 4p × 0 है, तो इजिकल टू 0 है। भाई किसी भी नंबर के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई की जाए, तो वही 0 बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा 1 नंबर के सोल्यूशन। भाई अब नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ्स एंड ब्रेथ्स रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ 5 क्वेश्चन है, और एक में देखिए ब्रैकेट में जो दो दो मोनोमियल्स है, वो तीनों मोनोमियल्स क्या है, लेंथ और ब्रेथ है किसी रेक्टेंगल की। तो लेंथ और ब्रेथ जब के है, तो इनकी एरिया निकलना है। तो पहला वाला लेंथ और दूसरा वाला क्या है, तो पहला मोनोमियल लेंथ है और दूसरा मोनोमियल ब्रेथ है। तो आपको पता है भाई, किसी भी रेक्टेंगल की एरिया की फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होते हैं। मतलब जो लेंथ और ब्रेथ है, दोनों को इंटू करने से हमें क्या मिलते हैं, उसी ही रेक्टेंगल की एरिया मिलती है। तो यहाँ भी हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दी गई है। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखिए, गिवन क्या गिवन है, पी और क्यू लेंथ ब्रेथ है ना, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो लेंथ पी है, पी ब्रेथ क्या है, क्यू है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू पी इंटू क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, बस। अच्छा, तो यहाँ यूनिट कुछ नहीं ना, तो यूनिट जब कुछ नहीं, तो जस्ट यूनिट्स लिख देना, यूनिट्स, ठीक है। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर की जगह आप जस्ट यूनिट्स लिख सकते हैं। मतलब ये जो पी क्यू डाइमेंशंस की रेक्टेंगल है, इसके एरिया पी क्यू यूनिट्स है, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, लेंथ 10 mm है और ब्रेथ 5 mm है, तो एरिया क्या होगी, 10 mm × 5 mm इज इक्वल टू 5 × 10 = 50 mm × 10 mm, तो 50 mm यूनिट्स, सिंपल है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, यहाँ नंबर तो नहीं है, सीरीज लेंथ 2x² ब्रेथ है 5y², तो देयरफॉर एरिया 2x² × 5y² इज इक्वल टू 2 × 5 = 10 x² × y² वाई स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट 4x लेंथ है और ब्रेथ 3x² है, तो एरिया 4x × 3x²
तो इज इक्वल टू 4 3 12 है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, तो 12 x³ यूनिट्स है। नेक्स्ट क्लास देखिए, 3 mm लेंथ है, 3 mm ब्रेथ है, 4 mm, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 3 mm इंटू 4 mm, तो 3 × 4 = 12 है, एम है अकेला एम है, एन यहाँ भी एन है, तो एन इंटू एन एन स्क्वायर इंटू पी है, तो 12 mm² यूनिट्स है। बाय नेक्स्ट 3 नंबर है, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इस टेबल को कंप्लीट करना, फर्स्ट मोनोमियल इधर से है और सेकंड मोनोमियल नीचे है, नीचे की कॉलम वाइज है, और फर्स्ट मोनोमियल ये जो रॉ है इस रॉ में है। तो देखिए देखिए ये जो बॉक्स है, ये जो जगह है, इस जगह में इन दोनों के प्रोडक्ट हैं, यहाँ होगी इन दोनों की प्रोडक्ट, यहाँ होगी इन दोनों की प्रोडक्ट। तो पहला देखिए 2 × 4 × x² 4 x² फिर देखिए 2 × 5 = 10 माइनस है ये, तो -10 x y अच्छा नेक्स्ट इसमें देखिए 2 × x नेक्स्ट ये दोनों 2 × 3 = 6 है, 2 × 3 = 6 x² x³ 6 x³ नेक्स्ट देखिए इसके साथ इसको, तो ये पहले ही माइनस आ जाएगा, 2 × 4 = 8 है, ठीक है, x × x² इंटू वाई अकेला है, तो -8 x²y नेक्स्ट देखिए 2 × 7 = 14 अच्छा x² x³ अच्छा इंटू वाई है, तो x³y नेक्स्ट देखिए 2 × 2 = 18 है, माइनस है, तो -18 x² x³ है इंटू वाई स्क्वायर अच्छा अब इससे 2 × 5 = 10 ये माइनस है, तो -10 x² y -10 x² है अच्छा नेक्स्ट देखिए 5 × 5 = 25 माइनस माइनस प्लस 25 अच्छा y × y² 25 y² अच्छा ये तो ऑलरेडी दी गई है 3 × 5 = 15 -15 एक माइनस है तो x² × y² अच्छा x² y ठीक है नेक्स्ट देखिए 5 × 4 = 20 है माइनस माइनस प्लस है अच्छा x है y × y² x² नेक्स्ट देखिए 5 × 7 = 35 और ये एक नेगेटिव साइन है तो -35 अच्छा x² y × y² अच्छा नेक्स्ट देखिए 5 × 9 = 45 माइनस माइनस प्लस अच्छा x² है y × y² y³ ठीक है अच्छा आप इसको देखते हैं 3 × 2 = 6 है अच्छा x² × x³ 6 x³ या नेक्स्ट 3 × 5 = 15 -15 होगा क्योंकि एक एक नेगेटिव साइन एक बार है व्हाट टाइम x² × y² y फिर देखिए 3 × 3 = 9 है x² × x² x^4 है ठीक है नेक्स्ट देखिए 3 × 4 = 12 नेगेटिव है तो -12 x² × x³ y है नेक्स्ट देखिए 3 × 7 = 21 है x² × x² x^4 इंटू वाई नेक्स्ट 3 × 9 = 27 -27 एक बार नेगेटिव साइन है तो x² × x² x^4 इंटू वाई स्क्वायर नेक्स्ट देखिए 2 × 4 = 8 -8 x² इंटू वाई अच्छा नेक्स्ट देखिए 5 × 4 = 20 माइनस माइनस प्लस एक्स अच्छा y × y² नेक्स्ट देखिए 3 × 4 = 12 तो -12 होगा x² x³ 12 x³ इंटू वाई है तो इंटू वाई है अच्छा इसके बाद देखिए 4 × 4 = 16 है माइनस माइनस प्लस x × x² y² नेक्स्ट 7 × 4 = 28 माइनस होगा क्योंकि ये नेगेटिव है x² x³ y² अच्छा नेक्स्ट देखिए 4 × 9 = 36 है माइनस 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 प्लस है प्लस 36 x² × x² x^4 है अच्छा y² y³ नेक्स्ट देखिए 7 × 2 = 14 x² × x³ y नेक्स्ट देखिए 7 × 5 = 35
तो माइनस 35 है क्योंकि ये निगेटिव है। एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए 7 3 21 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 है इंटू वाई है ठीक। इसके बाद देखिए 7 4 28 ये निगेटिव है तो निगेटिव 28 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। अच्छा नेक्स्ट देखिए 7 7 49 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 है वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर है। नेक्स्ट देखिए 7 9 63 है माइनस है ये निगेटिव है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 है वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब है। अच्छा अब देखिए 2 9 18 माइनस है माइनस 18 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। अच्छा नेक्स्ट देखिए 5 9 45 तो प्लस 45 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अच्छा एक्स स्क्वायर अकेला है। अच्छा वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। अच्छा इसके बाद देखिए 3 9 27 माइनस 27 होगा माइनस 27 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 है। अच्छा इंटू वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर अकेला यहाँ वाई स्क्वायर नहीं है ना वाई वाई नहीं है तो सिर्फ वाई स्क्वायर है ठीक है। इसके बाद देखिए 4 9 36 है माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब। अच्छा इसके बाद देखिए 7 9 63 माइनस 63 होगा क्योंकि ये निगेटिव भी है पॉजिटिव एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 है वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब है। अच्छा नेक्स्ट देखिए 9 9 81 पॉजिटिव 81 क्योंकि माइनस माइनस प्लस है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 है वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर वाई टू द पावर 4। तो भाई ये टेबल कंप्लीट हो गया। भाई अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स सेट्स विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। तो चार क्वेश्चन है लेंथ है ब्रेथ है हाइट है रेक्टेंगुलर टाइप की बॉक्सेस है इनकी वॉल्यूम निकालना। तो आपको पता है भाई लेंथ ब्रेथ और हाइट से वॉल्यूम निकालते कैसे सबको इंटू कर देना लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को तीनों डायमेंशंस को इंटू करने से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा ठीक है मतलब कैपेसिटी मिल जाएगी। तो वो वन नंबर देखिए लेंथ 5a है तो ये लेंथ है 5a ब्रेथ 3a² है 3a² इसके बाद 7 8 4 ये हाइट है 7 8 4 3 7 21 5 21 105। अच्छा a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब इंटू 8 4 a टू द पावर 7 है कैसे देखिए सब इंटू सब तो इंटू हो रही है ना तो a इंटू ए स्क्वायर इंटू 8 4 तो इसकी पावर तो 1 है बेस सेम है मल्टीप्लाई है तो एक बेस लेना और सबके पावर ऐड कर देना तो 1 + 2 = 3 है 3 + 4 = 7 है तो ऐसे हुआ 8 7 ठीक है। तो दो नंबर में देखिए 2p लेंथ है ब्रेथ है 4q हाइट है 8r तो 2 4 8 8 8 64 64 PQR यहाँ वेरिएबल अलग अलग है। अच्छा तीन नंबर में देखिए लेंथ xy है xy ब्रेथ है 2x² और हाइट है 2x² y है। अच्छा हाइट है 2xy² 2xy² है। अब देखिए वॉल्यूम क्या है एक्स अच्छा 2 2 = 4 है 4 है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अच्छा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4। अच्छा वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर वाई टू द पावर 4 है इसे। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए ए लेंथ है ब्रेथ 2b है और हाइट 3c है 3c है तो 2 3 = 6 है ए है बी है सी है अलग अलग बी सी है। अच्छा भाई ऐसे एक से ज़्यादा क्वेश्चन दी गई ना एग्जाम में तो ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं वरना अगर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछे तो ऐसे टेबुलर फॉर्म में भी आप कर सकते हैं यहाँ टेबल में एक ही रो होगा एक ही लाइन होगा ठीक है। अच्छा दूसरे एक तरीका है भाई लिटरली आप पेपर में कर सकते हैं मतलब गिवन लेंथ ये है ब्रेथ ये है एंड हाइट ये है तो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू 5a इंटू 3a² इंटू 7
8/4 इज इक्वल टू 105/7। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने टू नंबर में देखे थे, टू नंबर तो अलग अलग सॉल्व किए थे ना, तो वैसे आप कर सकते हैं अगर एक ही क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक मैम, नेक्स्ट फाइव नंबर देखिए, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए यहाँ पांच क्वेश्चंस है, पांच क्वेश्चंस में दो से ज्यादा मोनोमियल्स करके दी गई है, तो इनके प्रोडक्ट निकलना यानी कि मल्टीप्लाई करके आंसर निकलना। वन नंबर देखिए एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई एक मोनोमियल है, वाई जेड एक मोनोमियल है, जेड एक्स और एक मोनोमियल है, तो तीनों को इंटू कर देना, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, अच्छा वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, अच्छा जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। टू नंबर में देखिए ए है, पहले ए इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, तो इज इक्वल टू, सब ए है तो ए इंटू ए ए, अच्छा तीनों में देखिए एक ही नेगेटिव साइन है, व्हाट टाइम है तो माइनस होगा प्रोडक्ट, माइनस ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए क्यूब इंटू ए क्यूब ए टू द पावर सिक्स, तो माइनस ए टू द पावर सिक्स है। इसी तीन नंबर देखिए टू है इंटू फोर वाई इंटू ए टू वाई स्क्वायर इंटू सिक्सटीन वाई क्यूब, सिक्सटीन वाई क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ चार मोनोमियल्स है, तो पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को देखते हैं, टू फोर जार एट, एट एट जार सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर इंटू सिक्सटीन 1024 है, अच्छा यहाँ एक्स नहीं है सब वाई है, वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब, वाई क्यूब इंटू वाई क्यूब वाई टू द पावर सिक्स है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फोर नंबर की ए इंटू टू बी इंटू थ्री सी इंटू सिक्स ए बी सी, सिक्स ए बी सी इज इक्वल टू, टू थ्री जार सिक्स, सिक्स सिक्स जार थर्टी सिक्स, अच्छा ए इंटू ए स्क्वायर, अच्छा बी इंटू बी बी स्क्वायर, सी इंटू सी सी स्क्वायर। नेक्स्ट फाइव नंबर देखिए एम इंटू माइनस एम एन, माइनस एम एन है इंटू, यहाँ ये माइनस से निगेटिव है इसलिए ब्रैकेट में है, एम एन पी, एम एन पी है तो इज इक्वल टू, ओवरऑल देखिए एक ही निगेटिव साइन है, व्हाट टाइम है तो पूरा प्रोडक्ट माइनस होगा, निगेटिव होगा, एम इंटू एम एम स्क्वायर, एम स्क्वायर इंटू एम एम क्यूब, एम क्यूब है, अच्छा एन इंटू एन एन स्क्वायर, अच्छा एक ही पी है तो पी है, तो पूरा प्रोडक्ट माइनस एम क्यूब एन स्क्वायर पी है। इसी ने भाई बहुत इजी, तो भाई मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।